नमस्कार, मैं अर्षम मेहता और आप देख रहे हैं एमजी मीडिया न्यूज़। पबजी गेम के जरिए भारतीय युवक सचिन के साथ अपनी लव स्टोरी शुरू करने वाले पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। सीमा अपने प्यार के लिए सभी सीमाएं पार करके भारत तो आ गई प्रेमी सचिन के पास, लेकिन अब उसे उसके मुल्क से धमकियां मिल रही हैं। ऐसे ही एक धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पाक इस्लामाबादी धमकी दे रहे हैं कि अगर सीमा उन्हें वापस नहीं मिली तो वे पाक में रहने वाली हर हिंदू महिला के साथ बलात्कार करेंगे। पाकिस्तान अनटोल्ड नामक अकाउंट से इस धमकी का वीडियो शेयर किया गया, जो भारत सरकार के लिए चिंताजनक है। बता दें कि पाकिस्तान में 75 लाख हिंदू रहते हैं और वे अक्सर भेदभाव का शिकार होते रहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में हर साल 1000 से अधिक हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें निकाह के लिए अपहरण किया जाता है। सिंध प्रांत के विभिन्न जिलों में हिंदू लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन का मामला 2019 में सिंध विधानसभा में उठाया गया था। विधेयक को बाद में विधानसभा में खारिज कर दिया गया था। इसी तरह का विधेयक फिर से पेश किया गया था, लेकिन 2021 में इसे भी खारिज कर दिया गया। गौरतलब है कि भारत में ग्रेटर नोएडा में प्रेमी सचिन के पास पहुंची पाकिस्तानी महिला सीमा को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं और उन दोनों की लव स्टोरी को अनछुए पहलू को जानने की दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। सचिन के घर के पास भीड़ की वजह से इलाके में जाम जैसी स्थिति हो गई है, लेकिन लोगों की रुचि इस प्रेम कहानी में बढ़ती ही जा रही है। इसी बीच सीमा का कहना है कि उसे पाकिस्तान से धमकी मिल रही है। उसने मीडिया कर्मी से बातचीत में ये आरोप लगाया है कि उसका पति उसे वापस ले जाने के लिए तमाम जुगाड़ लगा रहा है। उसने कहा कि उन दोनों के बीच तलाक हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद उसका पति झूठ बोल रहा है और उसे वापस ले जाना चाहता है ताकि उसे सजा दे सके। रिपोर्ट के मुताबिक सीमा हैदर ने मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए दावा किया कि एक मीडिया कर्मी ने उसे अपने फोन से ऑडियो संदेश सुनाया, जिसमें सीमा और सचिन को जान से मारने की धमकी दी गई है। सीमा ने बताया कि मीडिया कर्मी ने उसके साथ कहा कि मोबाइल फोन पर ऑडियो संदेश पाकिस्तान के किसी अनजान व्यक्ति ने भेजा है। सीमा ने बताया कि ऑडियो संदेश भेजने वाले व्हाट्सएप डीबी पर किसी मौलाना की फोटो लगी हुई है। एक लाइव शो के दौरान सीमा ने कहा कि उसके बच्चे गुलाम हैदर को पापा नहीं बल्कि हैदर कहकर बुलाते हैं। सीमा ने बताया चूंकि बच्चों को उसके नाना ने ही पाला था, इसीलिए वे अपने नाना को ही अब्बू बुलाते थे। इस दौरान सीमा हैदर बार बार दोहराती रही कि उसका तलाक हो चुका है। उसने कहा कि अगर गुलाम हैदर चाहे तो बच्चों की मर्जी हो तो वो उन्हें पाकिस्तान लेकर जा सकते हैं। सीमा ने यह भी इच्छा जताई कि वह फिल्मों में काम करे। एक मीडिया संस्थान में बातचीत में उसने कहा कि हिंदी फिल्मों में काम करना चाहती है और उसकी दिली इच्छा वह सलमान खान या सनी देओल के साथ बतौर अभिनेत्री काम करे। उसने कहा कि वह पाकिस्तान में भी अभिनय का शौक रखती थी, लेकिन वह लड़कियों का एक्टिंग करना आसान नहीं था। उसने बताया कि वह घर पर अकेले ही शीशों के सामने घंटों एक्टिंग की प्रैक्टिस किया करती थी, लेकिन परिवार वालों ने उसकी शादी करा दी, जिससे उसका ये शौक पूरा नहीं हो पाया। उसने बताया कि वह सोशल मीडिया पर अपनी रील्स बनाकर डालेगी। उसने बताया कि उसे भारत सरकार ने नागरिकता मिलने का विश्वास दिलाया है। मेरे साथ बस इतना ही, देखते रहिए एमजी मीडिया न्यूज़।